दोस्तों, ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। यहाँ पे दर्शक अपने विवेक से काम लें। दोस्तों, सेंसेक्स 16,000 और निफ्टी 18,300 पे ट्रेड कर रहा है। एफआई का इन्फ्लोज बढ़ चुका है, जो कि इंडियन मार्केट के लिए काफी पॉजिटिव सेंटीमेंट है। इन्फ्लेशन रेट भी 7% से थोड़ा सा नीचे चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। अगर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो जाता है तो हमें बेस्ट स्टॉक आइडेंटिफाई करके उसमें बाइंग करनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे वर्ल्ड्स बिगेस्ट वन ऑफ द रिनोन इन्वेस्टर यानी कि वॉरेन बफेट जी का एक स्टेटमेंट हमें याद रखना होगा। उनका तत्व ये कहता है कि सेल व्हेन एवरीवन इज बाइंग एंड बाय व्हेन एवरीवन इज सेलिंग। तो अभी क्या है, मार्केट ऊपर जा रहा है, अपने ऑल टाइम हाई के नजदीक जा रहा है, तो यहाँ पे अभी हमें बाइंग नहीं करनी है, लेकिन हमें मौके की तलाश में बैठ जाना है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में तीन स्ट्रॉन्गेस्ट फंडामेंटल स्टॉक शेयर करने वाला हूँ, और साथ साथ में शेयर करूंगा उसके बाइंग एंड सेलिंग के लेवल, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स, उसका प्राइस टारगेट्स, और मार्केट गिरने के बाद हमारी इन स्टॉक्स में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वगैरह वगैरह आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको अगर ये सब कुछ अच्छे से समझना है तो आपको वीडियो अंत तक देखना होगा। अगर आप आधा अधूरा देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप मुझे कहोगे कि मैंने बताया नहीं। दोस्तों, और वीडियो के अंत में मैं देने वाला हूँ एक सरप्राइज, जो है आपके फायदे का सौदा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हेमंत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वर्सेटाइल गुरुजी। अगर चैनल पे नए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेल नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए, ताकि इस चैनल पे जो भी नई वीडियो अपलोड होती है आपको इसका नोटिफिकेशन आ सके, जो आपको आपका प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल गोल अचीव करने में जरूर आपकी मदद करेगा। और दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री है, प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मुझे ताकत और उम्मीद मिलती है। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीजें आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, कोई भी स्टॉक अगर अपना सपोर्ट तोड़ देता है तो वहां पे हमें अपनी बाइंग अवॉइड करनी चाहिए, और आपकी जो बाइंग है वो नेक्स्ट सपोर्ट के आसपास ही होनी चाहिए। दोस्तों, और दूसरी बात, आज यहाँ पे हमने जो भी स्टॉक चुने हैं वो कोई स्टॉक के टिप्स नहीं है, बल्कि है स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल, हाई ग्रोथ पोटेंशियल, हेल्दी ऑर्डर बुक स्टॉक्स। दोस्तों, और इन सारे स्टॉक को हमने उनके ग्रोथ पोटेंशियल को ध्यान में रखते हुए चुना है। तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो भी बाइंग एंड सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज बनेगी वो आप इसमें बार बार ले सकते हो। आज के इस वीडियो में मैं जो भी सपोर्ट्स एंड बाइंग एंड सेलिंग के लेवल्स बताऊंगा, वो लेवल को ध्यान में रखते हुए बार बार आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, एग्जिट कर सकते हो, फिर से रीइन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और ये सारे के सारे स्टॉक 39 डिफरेंट पैरामीटर पे वेरी डीप एनालिसिस किए हुए हैं, जो आगे चल के मल्टीबैगर साबित होंगे, इसमें तो कोई शंका नहीं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों, मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा कि स्टॉक बाय करना कोई जादू की छड़ी नहीं है, जो आपने आज स्टॉक बाय कर लिए और कल से तुरंत बढ़ना शुरू हुए। मार्केट में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, और हमें अपने आप को उतार चढ़ाव के लिए तैयार रखना होता है, तभी अपना प्रॉफिट बनता है। इसलिए मेरा इसमें सजेशन आपको ये रहेगा कि आप हमेशा स्टैगर्ड मैनर में ही बाइंग कीजिए। आपको जितना इन्वेस्टमेंट करना है उसका 1/3 स्टार्ट में कीजिए, ताकि अगर मार्केट गिर जाता है तो वो पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक में आपको एवरेजिंग करने का मौका मिले। दोस्तों, आप मेरा पिछला कोई भी वीडियो ओपन करके देख लो, इसमें मैंने जो बाइंग के लेवल्स बताए हैं उन्हीं बाइंग के लेवल्स पे आपको उसमें बाय करना है, और आपको जैसे ही 15-20% का प्रॉफिट मिलता है आपको उनसे एग्जिट करना है। फिर से अगर वो लेवल आपको बाइंग की हासिल होती है तो फिर से इसमें री एंट्री करनी है, तो आप इसमें बाइंग एंड सेलिंग का सिलसिला जारी रख सकते हो, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक्स है। दोस्तों, अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझना है तो आप मेरा ये वीडियो जरूर देखना। किसी भी स्टॉक में हम 100% प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं, उसकी स्ट्रेटेजी मैंने इस वीडियो में डिस्कस करी है, और आपके साथ में वो ट्रिक शेयर की है। आई एम श्योर ये वीडियो देखने के बाद आपको हो गया कि वाह क्या बात है। दोस्तों, मैंने मेरे सारे स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड के रिलेटेड वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, यदि आपको समय मिलता है तो एक बार उसको चेक कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खोला होगा तो मेरा ज़ीरोधा का एफिलिएट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। ऑनलाइन अकाउंट ओपन करना महज 10 मिनट का काम है, आप घर पे बैठे बैठे ये काम कर सकते हो, इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चलिए बढ़ते आज के हमारे पहले स्टॉक की तरफ। दोस्तों, इस साल पूरे भारतवर्ष में बारिश काफी अच्छी हुई है, जिसके चलते फसल काफी अच्छी आने की उम्मीद है, तो जाहिर सी बात है एग्री एंड एग्री रिलेटेड प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत बढ़ने वाली है। आज मैं जो स्टॉक आपको बताने वाला हूँ वो तीन में से दो स्टॉक एग्री सेक्टर से ही है। तो इस लिस्ट में जो पहला स्टॉक आ रहा है वो है कोरोमंडल इंटरनेशनल। इसका मार्केट कैप लगभग 26,000 करोड़ का है, और इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि ROC 34% के ऊपर का है। करंट मार्केट प्राइस 904 रुपया,
और रिटर्न ऑन इक्विटी 27% का है। आंकड़े बहुत कुछ बोलते हैं, काफी स्ट्रांग फंडामेंटल कंपनी है। कोरोमंडल इंटरनेशनल भारत की एक लीडिंग एग्री सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है। सो कंपनी के बेसिकली दो बिजनेस वर्टिकल है, एक है फर्टिलाइजर सेक्टर और दूसरा है क्रॉप प्रोटेक्शन। भारत में यूनिग्रेड फर्टिलाइजर सेक्टर में इस कंपनी का 40% से भी ज्यादा मार्केट शेयर है। कंपनी क्रॉप प्रोटेक्शन सेक्टर में 60 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स को बेचती है और ये सारे प्रोडक्ट बाकी बहुत सारे देशों में निर्यात करती है, जिसमें से मेजर है यूएस, कनाडा। तो कंपनी का 80 से भी ज्यादा देशों में कारोबार फैला हुआ है। कंपनी के पास आज की तारीख में 16 से भी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और 7 R&D सेंटर है और कंपनी बहुत एग्रेसिवली अपने एक्सपेंशन पर काम कर रही है। कंपनी के पास 20,000 से भी ज्यादा बड़ा डीलर नेटवर्क है और 2,000 से भी ज्यादा बड़ी स्ट्रांग मार्केटिंग फोर्स है। अभी देखते हैं कंपनी चार्ट पैटर्न पे कैसे परफॉर्म करे और कहां पे हमें इसमें बाइंग के मौके नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों ये है कोरोमंडल इंटरनेशनल का चार्ट पैटर्न। तो अगर आप यहां पे देखोगे तो 885 टू 895 के बीच में सपोर्ट बना हुआ है, तो यहां पे एक बाइंग का मौका मुझे नजर आ रहा है। और स्टॉक अपने ऊपरी लेवल यानी कि 1100 के लेवल से करेक्ट होकर अभी 900 रुपए के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पे 890 टू 895 के आसपास बाइंग एंड 1050 के आसपास सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनी हुई है। अगर मार्केट का सेंटिमेंट खराब हो जाता है और अगर ये स्टॉक नीचे आ जाता है तो इसमें जो दूसरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है 730 टू 740 के आसपास, तो यहाँ पे भी एक बाइंग की काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी बनी हुई है। अगर आप इस लेवल पे बाई करते हो तो आपको लगभग 900 के आसपास इसमें से एग्जिट करना होगा। तो ये जो दो पॉइंट मैंने आपको कहे 885 टू 890 और दूसरा है 735 टू 740 के आसपास, तो ये दोनों सपोर्ट्स पे आप बाइंग कर सकते हो और जैसे आप इसमें बाइंग करेंगे आपको 15-20% का प्रॉफिट मिलता है, तो आपको इसमें से एग्जिट करना है और आपको ये बाइंग एंड सेलिंग का सिलसिला इस स्टॉक में जारी रखना है। चलिए बढ़ते आज के हमारे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। आज की हमारे लिस्ट में जो नेक्स्ट स्टॉक आ रहा है वो है शारदा क्रॉप केम लिमिटेड, जिसका आज का करंट का मार्केट प्राइस 385 रुपीज है। कंपनी का मार्केट कैप 34,000 करोड़ का है, 11 का पी और तगड़ा 26% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, 20% का आरओई भी है। फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल के हिसाब से कंपनी के नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं और इसी वजह से ये कंपनी हमारे लिस्ट में टॉप पर आई है। कंपनी के बेसिकली दो बिजनेस वर्टिकल है, एक है टेक्निकल ग्रेड फॉर्मुलेशन और दूसरा है एग्री इक्विपमेंट्स, जो थोड़े स्पेशलाइज काइंड ऑफ इक्विपमेंट्स है। कंपनी प्राइमरीली अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है और आज की तारीख में 60 से भी ज्यादा देशों में कंपनी का कारोबार फैला हुआ है। कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छा है और जिसमें हर साल बढ़ोतरी देखी गई है। आइए अभी चार्ट पैटर्न पे देखते हैं कि कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है और कहां पे हमें बाइंग एंड सेलिंग के मौके नजर आ रहे हैं। यहां पे आप देख सकते हो 750 के आसपास एक टॉप बना और वहां से स्टॉक करेक्शन मोड में है, तो 750 से लेकर लगभग स्टॉक आधा हो चुका है, तो यहां पे काफी अच्छी बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी है। यहां पे एक स्ट्रांग सपोर्ट बना हुआ है, 600 के आसपास आपको यहां पे एग्जिट करना है। काफी अच्छा ग्रोथ मोमेंटम अभी स्टॉक में दिखाई दे रहा है एंड पोटेंशियल अपसाइड लगभग 40% का है। अगर मार्केट का सेंटीमेंट खराब हो गया और स्टॉक और भी गिर गया तो यहाँ पे 310 से 320 के बीच में यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ है, तो यहाँ पे भी आप बाई कर सकते हो और लॉन्ग टर्म के लिए फिर 600 का टारगेट लेके आप इसमें इन्वेस्टमेंट जारी रख सकते हो। चलिए बढ़ते आज के हमारे तीसरे स्टॉक की तरफ। हमारे इस लिस्ट में जो तीसरा स्टॉक आ रहा है वो है एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इस कंपनी के बारे में तो क्या कहने, सबको पता है ये भारत की रेवेन्यू के हिसाब से आईटी सेक्टर की हम इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट कंपनी से कह सकते हैं। कंपनी के क्लाइंट्स पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं। हाल ही में कंपनी ने कन्फाइनल नामक एक कंपनी को एक्वायर किया है और जिसके चलते ग्लोबली कंपनी वेल्थ मैनेजमेंट के सेक्टर में अपने फुटप्रिंट जमाना चाहती है। जाहिर सी बात है कंपनी की एग्रेसिव एक्सपेंशन की योजनाएं हैं। आइए देखते हैं चार्ट पैटर्न पे कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है और कहां पे हमें इसमें बाइंग एंड सेलिंग के मौके नजर आ रहे हैं। तो यहां पे आप देख सकते हो जो कि हर एक लीडिंग टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ में हुआ है, यहां पे एक डबल टॉप बना था 1338 1340 के आसपास और वहां से स्टॉक में करेक्शन शुरू हुआ जो कि लगभग 900 के लेवल पे जाके रुका। यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ है, तो मार्केट अगर बहुत टूट जाता है और अगर आपके स्टॉक 900 के लेवल पे मिलता है तो यहाँ पे एक्यूमुलेट आप इसको कर सकते हो। यहाँ पे भी एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, ये लेवल भी काफी अच्छा है, यहाँ से मुझे लग रहा है कि स्टॉक अभी ब्रेकआउट करेगा। तो करंट मार्केट प्राइस पे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनी हुई है, 1250 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। और अगर मार्केट का सेंटिमेंट खराब हुआ और अगर आपको ये 900 के लेवल पे मिल गया तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो और लॉन्ग टर्म का जो टारगेट रहेगा वो 1250 के आसपास का रहेगा।
अभी दोस्तों सरप्राइज की बात। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक सरप्राइज दूंगा, तो आपके साथ मुझे ये शेयर करने में आनंद हो रहा है कि मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स की डिमांड पे मैंने आपके पोर्टफोलियो चेक करने की सर्विस शुरू करी है। तो दोस्तों ये जो मेरी सर्विस है वो आपके स्टॉक एंड म्यूचुअल फंड को चेक करने के रिलेटेड है। तो अगर आपको पर्सनल एडवाइस चाहिए, वो पर्सनल एडवाइस कुछ भी हो सकता है कि आप क्या स्टॉक को होल्ड करें, ये स्टॉक का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, क्या स्टॉक को बेच दे, एक्यूमुलेट करे, म्यूचुअल फंड में कहां पे एंट्री करनी है, कहां पे एग्जिट करनी है, लमसम और बाई करना चाहिए कि नहीं, एसआईपी कंटिन्यू करे कि नहीं करे, स्विच करे तो कौन से फंड में स्विच करे, इत्यादि इत्यादि पर्सनल क्यूरेटेड एडवाइस मैं आपको दूंगा। आपको क्या करना है, आपको मुझे वो स्टॉक या फिर म्यूचुअल फंड के नाम आपको मुझे भेजने हैं, आपने कौन से भाव पे खरीदा है वो भी आपको मुझे भेजना है, एसआईपी है कि लमसम इन्वेस्टमेंट है वो भी डिटेल्स आपको मुझे देने होंगे। मैं आपका पोर्टफोलियो चेक करके आपको उसमें क्यूरेटेड एडवाइस दूंगा कि आपको आगे करना क्या है ताकि आपका प्रॉफिट बढ़े। और ये सारा दोस्तों मैं बहुत ही नाम मात्र चार्जेस पे करूंगा, क्योंकि इसमें मेरी मंशा ये है कि आपको सही एडवाइस मिले और आपका इन्वेस्टमेंट का सिलसिला बरकरार रहे और आपका प्रॉफिट दिन दिन बढ़े। तो यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने जो मेल आईडी दिया है उसमें आपको ईमेल करना होगा, आपके स्टॉक्स या फिर म्यूचुअल फंड के नाम आपको भेजने होंगे। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा जो आपको आपके फाइनेंशियल गोल हासिल करने में जरूर आपकी मदद करेगा। तो मिलते बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग, जय हिंद। दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो है, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले, यहाँ पे दर्शक अपने विवेक से काम ले।